मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ रहने का प्राइस क्या है, कैंपिंग करना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके बुक करवा सकते हो। चैनल तो अभी हम हैं ऋषिकेश में, तो हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी थी जैसे कि राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, तो उसके लिए हमें शिवपुरी आना पड़ता है और यहाँ पे ही स्टे करना पड़ता है। तो हमने एक क्यूट सी प्रॉपर्टी देखी है जो रिवर साइड कैंपिंग है, एग्जैक्ट गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से एग्जैक्ट ये कैंपिंग के सामने से ही रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो चलिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड अभी जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आ रही है तो बहुत ही सारी जगह पे होटल्स के प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक कम बजट में एक कैंप चाहिए था जो हमें मिला है, तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको ये रिवर साइड कैंपिंग दिखाती हूँ। सो इस कैंप का नाम है हिमालयन वॉकर जो शिवपुरी के मेन रोड पे है और यहाँ से हाईएस्ट बंजी जंपिंग है वो भी दिखती है और पीछे रिवर राफ्टिंग होती है वो भी यहाँ पे एकदम नज़दीक है। सो चलते हैं, कैंप दिखाती हूँ मैं आपको और यहाँ पे कम बजट में कितनी कितनी फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करें वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी लास्ट में। तो पहले हम पहले उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सब दिखाती हूँ। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanity. सो गाइज यहाँ पे सारे कैंप्स लगे हैं उनके और उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे उन लोग ने ऐसा गार्डन जैसा बनाया है, यहाँ पे सब चिल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आते हो तो बहुत ही शांत जगह है एंड पूरा ग्रीनरी है आसपास एंड पहाड़ दिख रहे हैं और वहाँ पे पूल भी है, स्विमिंग पूल भी आप एंजॉय कर सकते हो। आज दोपहर में मैंने और आकाश ने बहुत एंजॉय किया है। गाइज ये लोग का टेंट कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे 3 to 4 persons आप आराम से सो सकते हो। ये लोग ने यहाँ पे कूलर दिया हुआ है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा चाहिए रहती है, एक अच्छा सा बड़ा सा साफ सुथरा वॉशरूम जो यहाँ पे है। इतने बजट में इतना प्यारा रूम आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। एंड गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ रहने का प्राइस क्या है, अगर आप यहाँ पे वीकेंड में आते हो तो आपको 1600 rupees पर पर्सन मिल जाएगा एंड बाकी के दिन आते हो तो आपको 1200 rupees में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और शाम का एक मील ये सब यहाँ पे इंक्लूड रहता है। और यहाँ पे एक आप गेमिंग जोन भी है सो आप वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादातर सभी जगह पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देते हैं, यहाँ पे शाम का स्नैक्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं और स्नैक्स में इतनी सारी चीज़ें हैं और चाय तो एक नंबर है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मैंने पानी वाली चाय पी है पर यहाँ पे इतनी मस्त चाय भी है ना इन लोगों ने। पुरीसा यस, अब यहाँ पे लाइट्स होगी, रात को यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, तब तक हम रिवर के पास चले। सो पुरीसा का मन है रिवर के पास जाना, ऐसा बोला है कि 200 मीटर ही दूर है, चलो जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो कितनी पास है। सो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं रिवर के पास। 200 मीटर ही है गाइस सच में यहाँ से हमारे कैंप से गंगा नदी। एंड लुक एट दिस व्यू, अभी शाम के कुछ 6:30-7:30 जैसा बजा होगा, अभी तक तो हमने वॉच ही नहीं देखी हम यहाँ पे आए तब से।
सो गाइज, अगर आप भी रिवर साइड कैंपिंग करना चाहते हो हमारे जैसे, जहाँ से बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, गंगा नदी सब कुछ पास में है, तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप ये कम बजट में ये कैंपिंग करना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बुक करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे रिवर राफ्टिंग के पॉइंट्स हैं। मॉर्निंग में हमने वहाँ से रिवर राफ्टिंग स्टार्ट की थी, वहाँ आगे भी एक रिवर राफ्टिंग का पॉइंट है। गाइस क्या माहौल है यहाँ पे, पीछे सब डांस कर रहे हैं। मैं एक घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ, बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ, पर अभी डिनर का टाइम हो चुका है। चलिए मैं दिखा दूँ कि डिनर में क्या क्या सर्व कर रहे हैं। चलिए गाइस, फूड में बूफे लगता है, तो ये है दाल, दाल चावल, पनीर की सब्जी, एक नॉनवेज सब्जी, रोटी गरम गरम, सैलेड, और ये कुछ स्वीट आइटम भी देते हैं ये लोग, बहुत ही मस्त है। सो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।